पारिवारिक शो मंगल लक्ष्मी जो हाल फिलहाल के दिनों में कलश टीवी पर टेलीकास्ट हुआ है और टेलीकास्ट होते ही ऑडियंस के दिलों को काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा है। वहीं इस टीवी शो में टीवी एक्टर नमन शॉ जो कि अजीत के किरदार में दिखाई दे रहे हैं, इनका काफ़ी गुस्सैल कैरेक्टर है इस टीवी शो में, लेकिन शो के मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे टीवी एक्टर नमन शॉ अजीत के किरदार के लिए। उन्होंने टीवी के 3 एक्टर्स को ऑफर किया था ये किरदार। तीसरे नंबर से शुरुआत करते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं अभिनव शुक्ला। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूज पोर्टल की माने तो अजीत का किरदार अभिनव शुक्ला को सबसे पहले ऑफर हुआ था, लेकिन अभिनव शुक्ला ने शो को मेकर्स को यह कहते हुए मना कर दिया इस किरदार के लिए कि वह इस तरह के किरदार को दोबारा से नहीं निभाना चाहते हैं छोटे पर्दे पर, क्योंकि इस तरह के किरदार को काफी ज्यादा निभा चुके हैं, कुछ नए किरदार को वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं काफी पॉपुलर टीवी एक्टर हैं शाहिर शेख। जी हाँ दोस्तों, शाहिर शेख को भी अजीत का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन शाहिर शेख ने यह वजह बताते हुए शो के मेकर्स को हामी नहीं भरी अजीत के किरदार के लिए, क्योंकि वो उन्हीं दिनों बॉलीवुड फिल्म को साइन कर चुके थे और अपने काफी बिजी शेड्यूल के चलते उन्हें इस टीवी शो के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिसके चलते इन्होंने भी मना कर दिया। नंबर वन पर कौन आता है दोस्तों, नंबर वन पर आते हैं चॉकलेटी बॉय विवेन डिसेना। जी हाँ दोस्तों, काफी पॉपुलर टीवी एक्टर हैं और कलर्स के तो ये अच्छे खासे चहेते एक्टर्स में से एक हैं, और विवेन डिसेना को भी अदित का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन विवेन ने ये कारण बताते हुए मना कर दिया कि फिलहाल वो टीवी की दुनिया में वापसी करना नहीं चाहते हैं, वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहते हैं, जिसकी वजह से विवेन डिसेना ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। वहीं इन तीनों एक्टर्स के मना करने के बाद अंत में मेकर्स ने ये किरदार का ऑफर लेके गए नमन शॉ के पास, और नमन शॉ इन दिनों अदित के किरदार को निभाते हुए पूरी तरह से लाइमलाइट और सुर्खियां बटोर रहे हैं। खासकर इनके जो अदाकारी के जो जलवे हैं उसे देखकर फैंस तो पूरी तरह से कायल हो गए हैं। वेल, आज के खास वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक, एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों।